यूपीएससी सीएपीएफ एसी नोटिफिकेशन 2021 159 पदों के लिए जारी हुआ सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट भर्ती परीक्षा नोटिफिकेशन आवेदन शुरू। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू जीआरएस टेक्निकल। तो कैसे हैं आप सब? तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप लोगों को यूपीएससी से रिलेटेड बहुत ही बड़ी अपडेट मैं देने वाली हूं। तो आज के इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, वीडियो अच्छी लगती हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी द्वारा केंद्र सशस्त्र पुलिस बल असिस्टेंट कमांडेंट परीक्षा 2021 के अंतर्गत 159 पदों के लिए आज यानी कि 15 अप्रैल को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर उपलब्ध परीक्षा कैलेंडर के अनुसार आवेदन करने की जो आखिरी तारीख है वो 5 मई 2021 है। इच्छुक व पात्र उम्मीदवार upsconline.nic.in पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के माध्यम से केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों यानी कि सीएपीएफ जैसे सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ, भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी और सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी में असिस्टेंट कमांडर की नियुक्तियां की जानी हैं। इस भर्ती परीक्षा का जो आयोजन है वो 8 अगस्त 2021 को किया जाना है। शैक्षिक योग्यता के बारे में अगर हम बात करें या आयु सीमा के बारे में, तो इस भर्ती परीक्षा के लिए वैसे उम्मीदवार आवेदन के पात्र होंगे जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री प्राप्त की हो। वहीं उम्मीदवारों की जो आयु है वो 20 से 25 वर्ष की होनी चाहिए। शैक्षिक योग्यता, आयु सीमा व संबंधित अन्य पात्रता की वित्त जानकारी नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही हम प्राप्त कर सकेंगे। चयन के बारे में अगर हम बात करें तो उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि PET, शारीरिक मानक परीक्षा PST, मेडिकल टेस्ट और इंटरव्यू के माध्यम से डिसाइड किया जाएगा। हालांकि उम्मीदवारों का जो अंतिम रूप से चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू में प्राप्त मार्क्स के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार किया जाना है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट upsconline.nic.in पर विजिट करना होगा। इसके बाद होम पेज पर उपलब्ध संघ लोक सेवा आयोग की विभिन्न परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन लिंक पर क्लिक करना होगा। अब आपको एक नए टैब पर आ जाएंगे आप, तो यहाँ आपको संबंधित परीक्षा के लिए उपलब्ध रजिस्ट्रेशन लिंक के माध्यम से आप आवेदन पूरी कर सकेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।